हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम चर्चा करेंगे कि पिछड़े वर्गों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देना कितना उचित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की गई है, जबकि उद्योग जगत की अग्रणी संस्था SOCHM का कहना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की किसी भी पहल से देश में निवेश का माहौल खराब हो सकता है। SOCHM ने राजनीतिक दलों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचने की सलाह दी है जिससे निवेशकों में गलत संदेश जाए। देश में आरक्षण के मुद्दे पर दशकों से चर्चा होती आ रही है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण मिल गया था। वहीं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यह व्यवस्था आज़ादी के लगभग 4 दशक बाद की गई। दरअसल आज़ादी के बाद से ही किसी न किसी रूप में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह मांग की थी। हालांकि अपेक्षित समुदाय के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण एक दूर का सपना ही रह गया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण से जहां एक ओर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इससे नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी काफ़ी हद तक सुलझ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देना कितना उचित है। दरअसल संवैधानिक रूपरेखा में स्वीकार किया गया है कि आरक्षण कोई चैरिटी या दान नहीं है। अतः प्रतिभा हनन या निजी गतिविधियों का हवाला देकर वंचित उपेक्षित समुदाय को इससे दूर नहीं किया जा सकता। संविधान सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर बल देता है और साथ ही यह भी स्पष्ट शब्दों में दोहराता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को वीरता देनी चाहिए। अतः संविधान के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण एक उत्तम पहल हो सकती है। दरअसल आरक्षण के यह प्रावधान सरकारी नौकरियों तक ही सीमित है, लेकिन 1951 में हमारी अर्थव्यवस्था में खुलापन आने के बाद सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जबकि निजी क्षेत्र की नौकरियों में वृद्धि हुई है। आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन सरकारी नौकरियों के मार्फत इसे हासिल करने के अवसर सिमटते जा रहे हैं। अतः निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक सामाजिक दायित्व के निर्वहन का प्रश्न है तो प्राय यह जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र पर ही आरोपित कर दी जाती है, जबकि इससे निजी क्षेत्र को भी समान भागीदारी निभानी चाहिए। दरअसल औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को कई रियासतें दी गई है और इस दृष्टि से तो उन्हें सामाजिक दायित्व के निर्वहन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को देना जरूरी क्यों नहीं है। दरअसल निजी क्षेत्र अपने नवाचार और बेहतर कार्य निष्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है और इस क्षेत्र में कोटा सिस्टम लागू करने से राष्ट्र की प्रगति में बाधा आ सकती है। साथ ही इससे नए विचारों के सृजन एवं प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के निर्माण में अवरोध की भी संभावना है। इस प्रकार के आरक्षण से एक ऐसे कार्यबल का निर्माण होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में असमर्थ रहने की पूरी संभावना है। इसका प्रभाव यह होगा कि आर्थिक विकास को प्रमुख एजेंडा मानकर आगे बढ़ रही दुनिया में हम पिछड़ सकते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1992 से सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा जातियों के लिए 27% आरक्षण होने के बावजूद लगभग 12% को ही नौकरियां मिल पाती है। अतः निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से पहले मौजूदा अंतराल को पाटने की जरूरत है। अगर हम निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो इस तरह के मामलों में अमेरिका का मॉडल की बात करें तो अमेरिका में 1965 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सकारात्मक पहल की गई है। वहाँ वंचित तबके को सरकारी निजी क्षेत्र में वीरता मिलती है। अश्वेत महिला, विकलांग, लैटिन अमेरिकन नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी ऑर्डर पाने वाली कंपनियों पर यह नियम लागू होता है। कंपनियों को सकारात्मक पहल का प्लान देना होता है। ऑर्डर देने में भी विधिताएँ का ध्यान रखना होता है। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। अंत में दरअसल आरक्षण के माध्यम से वंचित वर्गों को रोजगार मिलता है जिससे उनका उत्थान होता है और सामाजिक सहभागिता बढ़ती है। हमें आरक्षण निजी क्षेत्र में देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है तो उनको आरक्षण की व्यवस्था देनी पड़ेगी निजी क्षेत्र में भी, क्योंकि जिस तरह के सरकारी नौकरियों में
उनके पदों में गिरावट आ रही है, उससे तो ऐसे लगता है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कमजोर वर्गों का उत्थान किस प्रकार किया जाए। उसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।